सोलन में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि लोग सरकार और जिला प्रशासन द्वारा बताए जा रहे नियमों का ठीक से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ये बात हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जाहिर की और कहा कि कोरोना संक्रमण से केवल सावधानी से ही बचा जा सकता है, जिसके लिए सोलन शहरवासियों को और जागरूक होने की आवश्यकता है। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान देख रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क को उन्होंने ठीक से नहीं लगाया है, यही कारण है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना पहले बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण ही हिमाचल में आ रहा था, लेकिन अब इसका सामुदायिक फैलाव भी होने लग गया है, इसलिए हिमाचल वासियों को और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, तभी इस लाइलाज बीमारी से बचा जा सकता है। अब कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, जहां पहले अपेक्षित नहीं था कि वहां कोरोना के केसेस मिलेंगे, अब हमारे गांव स्तर पर भी जो है ऐसे केसेस जो हैं वो आने लगे हैं। इसलिए मेरी अपील रहेगी सभी स्थान के निवासियों से, संपूर्ण सोलन के निवासियों से, कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग और 100% सैनिटाइज़र का प्रयोग, ये जो तीन सूत्र हैं और इनका पालन जो है वो बहुत सख्ती से करें। मैं देखता हूँ कि सार्वजनिक स्थानों पर आज जैसे इस कार्यक्रम में भी सोशल डिस्टेंसिंग, और अभी भी जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बार बार बोलने के बाद नहीं है, मास्क भी लोग जो हैं वो नाक से नीचे रख रहे हैं, अधिकांश लोग यहाँ पर भी यही दृश्य जो दिखाई दे रहा है, मास्क को पूरा नाक के ऊपर रखना है। ये हिदायत जो है ये कोई आप कह लीजिए ये कोई आदेश नहीं है, ये हम सब के बचाव के लिए है। इसका पालन अगर होगा तभी इस बीमारी से जो है हम बच पाएंगे और लड़ पाएंगे, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन कोई दवाई जो है इसके लिए आई नहीं है। इसलिए जब तक वैक्सीन ना हो, और वैक्सीन आ भी जाए तो भी हमको जो है इसके ये जो तीन जो निर्देश हैं इसका पालन हमको जो है वो करना होगा। ये मैं सभी सामान्य लोगों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।